कहते हैं कि अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ ठान लेती है तो उसे हर हाल में पूरा करती है। ये गायत्री हैं। इन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा है। बेटी की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए इसलिए गायत्री ने जौनपुर की सड़कों पर रिक्शा चलाने से भी परहेज नहीं किया। अपनी डेली मतलब की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, मतलब कि अपनी जिंदगी चलाने के लिए रिक्शा चलाने का मैंने सोचा। उन्होंने छोड़ दिया, वो खुद सेपरेट हो गए। अयोध्या की रहने वाली गायत्री का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। भोपाल से ही गायत्री पढ़ाई कर ग्रेजुएट हुई। गायत्री की भी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन बेटी पैदा होने के कुछ ही दिन बाद पति ने गायत्री को छोड़ दिया। बेटी को पढ़ाने के लिए गायत्री ने मॉल से लेकर कई एजेंसियों में काम किया। गायत्री बताती हैं कि उन जगहों पर शोषण ज्यादा होता था और पैसे महज 7,000 मिलते थे, इसलिए गायत्री ने वो काम छोड़ दिया और ड्राइविंग सीख ली। ड्राइविंग सीखने के बाद 300 रुपए प्रतिदिन किराए पर ई रिक्शा लेकर सड़कों पर फर्राटे से सवारी ढूंढने लगी। नहीं, मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ, यहाँ मेरी सिस्टर रहती है उनके पास। वैसे तो मैं भोपाल में, मेरी मतलब कि मैं वहीं पैदा हुई हूँ, भोपाल में ही मेरी पढ़ाई हुई और रहते हम इंदौर में थे, क्योंकि नौकरी करने में काफ़ी शोषण हो रहा है। 12-12 घंटे नौकरी करवाते हैं, 7,000 रुपये मिलता है, उसमें पूरा नहीं पड़ता। बच्चे को मुझे पढ़ाना है, डॉक्टर बनने का सपना है, आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो इसलिए मैंने ये वो किया कि ई रिक्शा चलाऊँगी। गायत्री की माने तो कई बार महिला को रिक्शा चलाता देख लोग पलट पलट कर देखते हैं, सवारी जल्दी बैठना नहीं चाहती, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो अपना काम करना है और अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। दिक्कतें आती है ना काफी। एक तो जो पैसेंजर रहते हैं, कई लोग तो सिर्फ लेडीज देख करके नहीं बैठते हैं कि लेडीज चला रही है इसलिए, और बाकी जौनपुर के लोग काफी हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, काफी पैसेंजर भी बहुत अच्छे रहते हैं। बस थोड़ी रोड बहुत ज़्यादा गंदी है, जहाँ ये स्टेशन के पास वगैरह, यहाँ पे रोड बहुत बेकार है। बता दें कि गायत्री की बेटी श्रेया कक्षा 11 की स्टूडेंट है। श्रेया का सपना डॉक्टर बनना है और बेटी को उच्च और बेहतर शिक्षा देने के लिए गायत्री दिन रात मेहनत कर रही है। श्रेया बताती हैं कि माँ अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, मुझे माँ के इस सपने को साकार करना है। हाँ, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, ई रिक्शा भी चलाना स्टार्ट किया, और उनके स्ट्रगल से मैं ये सीख रही हूँ कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, और मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, तो उनका और अपना सपना मुझे पूरा करना है डॉक्टर बन के। दिक्कतें तो आती हैं, पर करना तो पड़ेगा स्ट्रगल लाइफ में, यदि कुछ बनना है तो। नहीं, मम्मा ने मुझे कभी नहीं बोला है, बल्कि मैंने ज़रूर बोला है कि मम्मा मुझे जॉब करना है, पर मम्मा ने हमेशा से बोला तुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तू पढ़, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। खैर, गायत्री ने अपनी बेटी के लिए जो सपना देखा है उसे साकार करने में बेटी भी जी जान से जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।